अच्छा, तो आज हमारे पास है एक पॉट जो कि फिश बॉल हो सकता है या गमला वगैरह शीशे का, जिसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं जो कि टूटा हुआ है, रखने से टूट जाता है, ज़ोर से भारी रखने से टूट फट जाता है, क्रैक्स आए हैं। तो हम इसको बनाएंगे आज। तो इस पे पहले ही मैंने रोप लगानी शुरू की थी, कैमरा बंद हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इस पे रोप लगाइए, बारीक वाली जो रस्सी होती है वो, और इसको ग्लू लगा लगा के साथ साथ इसकी रस्सी, इसके पूरे नीचे वाला जो बेस होता है उस पर तकरीबन 4 इंच की अराउंड रस्सी लगा कर इसको पूरा नीचे से कवर कर दिया है। ऊपर की साइड हम इस पे बेलें वगैरह जो हमारे घर में पड़ी हुई होती हैं फालतू, वो लगाएंगे। ये नीचे का जो बेस है इस पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से ग्लू लगा कर इस पर एक गत्ता चिपका दिया, जो कि हार्ड वाला जो गत्ता होता है ना, जिसकी वजह से उसकी बेस ख़राब ना हो। इस पर मैंने बहुत सारी बेलें लगाई हैं, बेलें जो घर में आपकी पड़ी हुई होती हैं फालतू, जो कि चौड़ी वाली बेलें होती हैं, पैनल्स होते हैं, उनमें से जो काट कट के पीसेस निकालें, और उनको बारी बारी से इस पर चिपकाते गई हूँ। और आप देखें कि ये कितना प्यारा तैयार होकर निकलता है, कितना प्यारा लगेगा ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मास्टरपीस तैयार हो जाएगा। फिर इस पे हमने स्प्रे पेंट, ब्लैक स्प्रे पेंट करना शुरू कर दिया है। स्प्रे पेंट कर सकते हैं आप चाहें तो कोई और सा पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे पेंट ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और ज़्यादा आराम से हो जाता है। मैं यहाँ पर ब्लैक स्प्रे पेंट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वो कोई सा भी स्प्रे पेंट कर सकते हैं। हम देखें जैसे कि ये स्प्रे पेंट इस पर हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट, थोड़ी थोड़ी जगह, ज़्यादा नहीं, मतलब इसको पूरा भर नहीं रही हूँ, इस पे जगह जगह स्प्रे पेंट कर रही हूँ। गोल्डन कॉपर भी ले सकते हैं, गोल्डन कॉपर कह सकते हैं इसको आप, कॉपर स्प्रे पेंट कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी जगह, कि ऐसे जैसे शेडेड हो जाए, शेड आ जाए एक गोल्डन और ब्लैक का। मैंने वाली बेलें लगाई हैं और उसके ऊपर अब स्प्रे पेंट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा एक पीस तैयार होगा, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं आपको ज़रा क्लोज़अप करके भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, अब स्प्रे पेंट करने के बाद ये होता है कि आपको लैकर करना पड़ता है, वरना आपका पेंट काला पड़ने लगता है या उतर जाता है। तो यहाँ पर मैंने लैकर करना शुरू कर दिया है इस पर। लैकर आपको, ये स्प्रे पेंट आपको कहीं पर भी किसी भी शॉप पर मिल जाएंगे, पेंट्स की शॉप पर आप चाहें कोई सा भी पेंट कर सकते हैं। उस पर मैंने लैकर करा है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप सजा सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में, सजा सकते हैं अपने डाइनिंग हॉल में, सजा सकते हैं या फिर अपनी साइड टेबल पर रख सकते हैं। ये एक बहुत प्यारा लगेगा, इसमें अपने फ्लावर्स डाल दें या इसको ऐसे ही रख लें, तो एक ये बहुत प्यारा DIY डेकोरेटिव पीस तैयार हो जाएगा, जो कि आप ख़ुद बनाएंगे। अगर आप बाज़ार से खरीदें तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर टेक्सचर है, टेक्सचर वाली चीज़ें जिस पर टेक्सचर होते हैं वो अक्सर महंगी मिलती हैं, या डिज़ाइन वाली। तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसान और एक कन्वीनियंट है।